Hello all, welcome to my YouTube channel. In this particular video I am going to share with you something new guys. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैंपस इंटरव्यू क्वेश्चन पेपर. तो गाइज, ये एक हमारे फ्रेंड हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड जिसका नाम है शिवांग, और शिवांग सक्सेना ने मुझे ये क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड किया था और उसने बोला था कि मैं इस प्रोग्राम को बनाऊँ. तो ये बेसिकली क्या था, ये प्रोग्राम इंटरव्यू में उससे पूछा गया था और बनाने के लिए बोला गया था. इसका जो टाइम पीरियड था वो था 60 मिनट का. तो गैस, इसी पैटर्न को आज हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं, लेकिन गैस यहाँ पे चैलेंज ये है कि हम लोग इसको एक लूप से प्रिंट कराने वाले हैं. इसमें हम लोग मल्टीपल लूप्स का यूज़ नहीं करने वाले हैं गैस. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर इसको सेपरेटली अलग अलग लूप से चलाएँ और इस बॉटम के लिए अलग से लूप चलाएँ तो ईजिली हम लोग बना सकते हैं. तो इसमें कोई बड़ा लॉजिकल वर्क नहीं रह जाएगा, लेकिन हम लोग इसको एक ही लूप में मैनेज करेंगे. ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस तरह के पैटर्न को अचीव करना है हम लोगों को, तो इसके रूल क्या क्या है. तो द पैटर्न मस्ट बी डायनेमिक, इट शुड वर्क फॉर एनी ऑड नंबर्स एक्सक्लूडिंग वन एंड निगेटिव नंबर्स. तो इसका मतलब है कि गाइस, जो भी ये पैटर्न जनरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर के लिए जनरेट होगा, और ये डायनेमिक होना चाहिए. जो भी वैल्यू मैं पास करूंगा किसी फंक्शन को, वो फंक्शन हमें इस तरह का पैटर्न प्रिंट करा के प्रिंट कराएगा हमारी स्क्रीन पे. सिंपल है गाइस. और दूसरी चीज, यहाँ पे हमें किसी भी निगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं करना है, इवन वन को भी कंसीडर नहीं करना है. ठीक है, और निगेटिव और इवन नंबर यहाँ पे, जैसे कि इट शुड नॉट रन फॉर इवन नंबर्स, तो किसी भी इवन नंबर के लिए प्रोग्राम रन नहीं होना चाहिए. तो हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, तो सबसे पहली जो कंडीशन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अभी सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, अभी कुछ भी मैंने प्रोग्राम नहीं लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहली जो कंडीशन मैंने लगाया कि सबसे पहले ही मैंने चेक कर लिया है इस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कि अगर इट शुड नॉट रन फॉर इवन नंबर्स. तो मतलब क्या है कि अगर मुझे ये वैल्यू इवन मिली, नम, अगर मुझे नम जो है इवन मिलता है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसे यहीं से रिटर्न करा देंगे. ठीक है, आगे की जो लाइन्स हैं उन्हें मैं एग्जीक्यूट नहीं करने दूंगा. और अगर इक्वल और लेस देन है वन से, तो भी मैं यहीं से रिटर्न करा दूंगा, आगे का कोड नहीं एग्जीक्यूट करने दूंगा. तो इतना सा गैस हम लोगों ने समझा है. चलिए अभी हम लोग इसके लॉजिक्स को समझते हैं कि हम इस तरह के पैटर्न को किस तरह से अचीव करने वाले हैं बाय यूजिंग वन लूप. ओके, तो सबसे पहले हम अपनी पेंट विंडो ओपन कर रहे हैं गैस. तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए गैस क्या करना है हमें. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, ये मान के चलिए आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कॉर्नर होता है. ओके, ये कॉर्नर होता है गाइस, यहाँ से कुछ भी, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है, कुछ भी लिखना स्टार्ट होता है, मतलब कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. और बेसिकली हम लोग नेचुरली भी कॉपी में भी लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो ऐसे कंप्यूटर भी वर्क करता है. तो क्या होगा कि गैस, इस तरह से आउटपुट जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग एक ही लूप से पैटर्न को प्रिंट कराने वाले हैं. तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, बेसिकली गैस ये जो पैटर्न दिख रहे हैं, ये जो पहला पैटर्न था, ओके, ये दरअसल जनरेट हुआ है 3 पास करने पर, और ये जनरेट हुआ है 5 पास करने पर. ओके, तो जो कि डॉक्यूमेंट्स में मेंशन था, यहाँ पर मैंने नहीं उसको लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये 3 इनपुट करने पे जनरेट हो रहा है और ये 5 इनपुट करने पे जनरेट हो रहा है. ओके, तो ये जब 3 इनपुट करने पे जनरेट हो रहा है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि यूजिंग वन लूप जो है ये पूरा पैटर्न प्रिंट हो. तो क्या कर सकते हैं गाइस कि अगर हमने 3 पास किया, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 का डबल, मतलब कि 3 × 2, तो मतलब 6 बार हम लोग लूप चलाएंगे. तो ये क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सारी रो कवर हो जाएंगी. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस केस में है कि हमने इसके लिए चलाया तो ओके, ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने इसके लिए चलाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे 9 पे चल रहा है. तो मतलब कि क्या है, यहाँ पे एट द रेट कितने है? अगर यहाँ से रो पे देखें तो कितने है? 3, और यहाँ पे कितने, 5. ओके, यहाँ पे एट द रेट वर्टिकल देखना है, यहाँ पे है 5. ठीक है, अभी और जो ये नीचे के जो नीचे का हमें पैटर्न दिख रहा है उसकी रो है 4.
और जबकि यहाँ पे देखिए बराबर है, इक्वल है, यहाँ पे एट द रेट 3 रो की है और यहाँ पे पैटर्न भी 3 का है। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, सही तरीके से हमारा पैटर्न प्रिंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, तो हम लोग कर सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने 3 इनपुट किया तो यहाँ पे भी देखो 3 एट द रेट, यहाँ पे भी 3 एट द रेट, इधर भी 3 एट द रेट, इधर भी 3 एट द रेट, ऐसे ही 5 वाले के केस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले देखेंगे कि जो पास किया जा रहा है इनपुट, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल 3 पास किया जा रहा है, तो हम सबसे पहले कंसीडर ये करेंगे कि जो कॉलम्स हैं, जो एस्ट्रिक्स कॉलम्स हैं, ये इस वाले स्टार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एस्ट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर जो कॉल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये कितने हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी इनपुट आएगा फॉर एग्जांपल आ रहा है 3, तो हम इसको फ्लोर वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फ्लोर वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या मिलेगा इसका, 1.5, तो फ्लोर हो जाएगा 1 और इसमें ऐड कर देंगे 1, तो बेसिकली मिल जाएगा 2। तो इससे क्या हुआ कि हमें नंबर ऑफ कॉलम्स मिल गए कि हमारे पास 2 हैं, स्टार के जो एस्ट्रिक्स हैं वो नंबर ऑफ 2 हैं। अगर हम 5 इनपुट करते हैं गाइस फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है, 5 इनपुट करते तो आता है 2.5 और वो फ्लोर हो जाता है 2, 2 प्लस 1 तो हमें बेसिकली मिल जाता है 3, तो 3 कॉल्स मिल जाते। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 3 हैं, राइट, यहाँ पे 3 कॉल्स, 3 स्टार दिख रहे हैं मैक्सिमम, तो 3 कॉलम्स इसके 5 के केस में। तो मतलब कि ये हमारा अगर फार्मूला, मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूँ तो बेसिकली ये वर्क करेगा एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं कि नंबर ऑफ कॉल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इफ कंडीशन के केस में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स कर लेते हैं या फिर स्टार, ओके मैं स्टार कर देता हूँ, नंबर ऑफ स्टार कॉल्स, तो यहाँ पे किसकी बात में कर रहा था, नंबर ऑफ स्टार कॉल्स, मैं ये हॉरिजेंटल वाले की बात कर रहा हूँ, ओके, एरो के थ्रू मैंने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया वो कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कॉल्स, यहाँ पे वही सेम चीज किया है, तो हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से कॉपी करना होगा और इसको यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। तो अभी मुझे इतना मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक लूप चलाते हैं, आई इन रेंज, ठीक है, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोगों को क्लियर रहे। तो हम क्या करते हैं, 1 से लूप चलाएंगे, ठीक है, और कहाँ तक चलाएंगे ये इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था गाइस, कि अगर हम लोग ऐसे चलाते हैं कि मान लो कि जितना भी वैल्यू आएगी, जो भी इनपुट आएगा, उसका डबल अगर लूप चला देंगे तो क्या होगा, देखिए 3 के केस में 6 रो हैं, लेकिन 5 के केस में क्या हो रहा है कि 9 रो हैं, मतलब उसका डबल नहीं है कि 5 इनपुट किया तो 10 रो तक चले, जबकि 3 के केस में क्या है, उसका डबल 6 रो तक चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। तो हमें कैसे समझना होगा, हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो गाइस ऐसा करते हैं कि जो यूज़र इनपुट करेगा, फॉर एग्जांपल 3 इनपुट करता है, ठीक है, तो हमारी ये 3 रोज हो जाएंगी, राइट। लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग है उसके लिए क्या करेंगे कि जो मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स निकाले हैं इस एस्ट्रिक्स के, उसमें जो है प्लस 1 कर देंगे और उसको जो है यूज़र द्वारा किए गए इनपुट में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वहाँ तक हमारा लूप चल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि नंबर ऑफ कॉलम्स, स्टार के जो कॉलम्स निकले हैं वो, ठीक है, तो ये जैसे कि ये निकले थे 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें प्लस 1, ठीक है, ताकि प्लस 1 मतलब 3 प्लस 4 मतलब 4 तक ये चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 1 कर दिया, और जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है उस नम को यहाँ पे सीधे सीधे हम पुट कर देंगे नम, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो इसका जो बाय डिफॉल्ट नेचर होता है फॉर लूप का पाइथन में, वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे फोर्सफुली इसको 1 से स्टार्ट किया है, तो ये जो सेकंड पैरामीटर है उससे एक कम तक लूप चलता है, लेकिन हमें पूरा ही लूप चलाना है, ठीक है। तो इसमें प्लस 1 और करेंगे ताकि हमारा पूरा लूप चले, उसके बाद कितने का इंक्रीमेंट करना वो यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 का इंक्रीमेंट चाहिए हमें, ठीक है, राइट। तो गाइस इतना हो गया। अब इसके अंदर एक्चुअल लॉजिक हम लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं गाइस कि हम लोग अगर स्पेस निकाल लें, जैसे कि गाइस जैसे कि हम इस पर्टिकुलर
फर्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन की अगर बात करूँ, अगर इसको सिंपल से प्रिंट कराना है तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले एक स्पेस है और इसके पहले भी एक स्पेस है। तो अगर हम देखें तो इसके आगे है वन स्पेस, इसके आगे है वन स्पेस, इसके आगे है जीरो स्पेस। अगर इसको मैं इन मतलब इसको मैं अगर प्रिंट करा लेता हूँ तो लगभग मेरा काम हो जाएगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, स्पेस के जो नंबर ऑफ स्पेसेस आ रहे हैं आगे उनको हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, एज ए इंटीजर वैल्यू। अच्छा, इसको हम लोग प्रिंट कैसे कराने वाले हैं गाइस, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इस फर्स्ट हाफ को हम कंसीडर करते हैं, उसके बाद इसको हम सेकेंड हाफ मानेंगे, उसके बाद ये लास्ट में इस पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले पे वर्क करने जा रहे हैं, तो यहां तक पहले तो अभी प्रिंट कराएंगे कि 10 प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन बना लेते हैं गाइस कि नम इफ नम माइनस, ओके माइनस, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं कि आई, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे गाइस कि ये जो हमें दिख रहा है कि जैसे वन है, ये सबसे पहले स्पेस मिला वन, तो जब तक जीरो ना हो, मतलब कि जीरो के इक्वल हो या फिर जीरो से ग्रेटर हो, तब तक ये लूप ये कंडीशन ट्रू रहेगी, उसके बाद हम इसको ट्रू नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे जब तक ग्रेटर है एंड इक्वल है जीरो के, तब तक ये इसके अंदर आएगा। और इसमें हम लोग प्रिंट करा लेंगे बेसिकली सिंपल सा, क्या करवाएंगे कि इसमें हम लोग प्रिंट करवाते हैं, इसे पुट करते हैं अभी, ठीक है, इतना रन कराते हैं गाइस, ओके। तो यहाँ से हम लोग अपनी पाइथन 3 विंडो ओपन करते हैं और इसमें जो है इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट BTT ब्रेन द ट्रेन, ओके, एस बी बी डॉट पैटर्न पैटर्न, और इसमें हम पुट करते हैं फॉर एग्जांपल 3। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिल गया, ठीक है गाइस, तो जो हम चाहते थे वो मिल गया। तो अभी गाइस इस लाइन को एक बार समझ लेते हैं दोबारा से, क्या हो रहा है बेसिकली, हो कुछ नहीं रहा गाइस कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमें पता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, जो कि हमने यहाँ से निकाला था वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जैसे कि हमारे यहाँ 2, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, जैसे एक्सिस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड 2, तो 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 माइनस i, i की वैल्यू फर्स्ट टाइम आएगी तो 1 होगी, ठीक है, इसको हम मानते हैं i, ठीक है, और ये तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है तो हम इसको कॉल कह देते हैं, कॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आएगा तो -1, ठीक है, तो इसमें क्या होगा 1, ठीक है। तो हमने चेक किया क्या ये इक्वल, ये कंडीशन देखा कि क्या ट्रू है, अगर ट्रू है तो हम क्या करेंगे, सीधे वो जो ये वैल्यू मिली थी 1, ठीक है, इसमें माइनस करने पे वो हम डायरेक्ट प्रिंट करा दिए, तो इसलिए सबसे पहले आउटपुट में आया 1, उसके बाद जब सेकेंड टाइम चला तो 2 माइनस अगेन हुआ, अब लूप की वैल्यू बढ़ेगी तो हो गया 2, तो इस बार क्या होगा, इस बार आएगा कि ये हो जाएगा 0, तो 0 ग्रेटर है क्या इक्वल है, तो हाँ इक्वल है, इसलिए इस बार फिर से प्रिंट करेगा 0, तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा, राइट, 10। तो ये चीज हमें मिल रही है इसी वजह से। अब साथ में इसके बगल में इंडेक्स भी हम लोग प्रिंट करा लेते हैं गाइस, तो इंडेक्स का क्या बेनिफिट है बेसिकली, तो अभी तो इसको ऐसे ही हम यहाँ पे कॉलम से सेपरेट करके इंडेक्स रख लेते हैं STRI, ठीक है, कंट्रोल एस, रिफ्रेश इट एंड शिफ्ट एंटर, व्हाट हैपेंड, ओके, प्लस सिंबल इज मिसिंग, कॉनकैटिनेट करना है इसे हमें, और उसके बाद इसको रिफ्रेश करना है एंड शिफ्ट एंटर एंड शिफ्ट एंटर, ओके। तो बेसिकली गाइस ये राइट हैंड वाला भी STR है, मतलब स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है, ओके, लेट मी रिफ्रेश अगेन एंड सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे इंडेक्स आ रही है और ये हमारा स्पेस आ रहा है कि नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, ठीक है गाइस। तो हमने बेसिकली इतना अचीव कर लिया, अब हम क्या करते हैं गाइस कि हमने जब इतना कर लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग वन प्रिंटफ,
यूजिंग वन प्रिंट मैथड। सो गाइस क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरी पूरी लाइन एक बार में प्रिंट करा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ही है मेरी पिछली वीडियो में एस्ट्रिक्स की क्या पावर है, एक्चुअली द पावर ऑफ एस्ट्रिक्स सिंबल इन पाइथन। सो वी कैन रिपीट, तो गाइस हम लोग इजिली रिपीट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम पुट करेंगे स्पेस, ओके। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा स्पेस आ रहा है, सो हमारा स्पेस नंबर ऑफ स्पेसेस इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। ठीक है, रेपिटेशन मैंने अचीव कर ली यहाँ से। उसके बाद हमने क्या किया कि फिर से इसमें कॉनकैट करेंगे। सबसे पहले एक स्टार में कॉनकैट करना है इसमें, वन स्टार, ठीक है। तो जैसे कि वन स्टार हम इसमें कॉनकैटिनेट करेंगे तो क्या होगा, इसको भी अभी के लिए मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, राइट। उसके बाद फिर हम प्लस करते हैं क्या, ऐट द रेट, ठीक है। ऐट द रेट की रेपिटेशन यहाँ पे होगी, ऐट द रेट एंड एस्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कितने टाइम पे ऐट द रेट हमें चाहिए, 5 टाइम पे। तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो इनपुट ऑलरेडी होकर आ ही रही हैं ये नम, तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे पुट कर सकते हैं नम इक्वल टू नम। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर नम, अगर आई फॉर एग्जांपल, इफ ओके, अगर इफ आई इक्वल जीरो है, वन से स्टार्ट चल रहा है, ओके, एल्स वन है, तो हम रिटर्न करा देंगे नम इसमें, ठीक है, इस नम में एज इट इज। अगर मोर देन है, मतलब आई की वैल्यू 2 है 3 है, तो हम नॉर्मली 1 कराएंगे। ऐसा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी की जो रोज हैं उसमें क्या है, हमारे एक ही एट द रेट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सिर्फ हमें फर्स्ट रो में रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले करेंगे यहाँ पे एट द रेट आ गया, उसमें एस्ट्रिक्स आ गया। अब एस्ट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नम को, तो बेसिकली ये क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि स्पेस प्रिंट कर देगा, राइट। उसके बाद हमें चाहिए स्टार, अभी कितने स्टार चाहिए, हो सकता है कि अभी जब लूप बढ़ेगा तो स्टार देख सकते हैं यहाँ पे ये भी बढ़ेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओके, यहाँ पे अगर हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर दें, आई क्या होगा, फर्स्ट टाइम आई में होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्स्ट स्टार प्रिंट हो जाएगा, और सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएगा, ओके, राइट। हाँ, इससे हमारा अचीव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस कि इतना अचीव होने के बाद हम लोगों को चाहिए, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक अचीव कर लिया, ठीक है गाइस, यहाँ तक हम लोगों ने अचीव कर लिया। अब हम लोगों को ऐट द रेट पे काम करना है, तो ऐट द रेट के लिए क्या करेंगे कि हम लोग ऐट द रेट को नम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना आ रहा है वही सेम एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, प्लस, ओके जस्ट मिनट वेट गाइस, एक्चुअली मेरा माउस गिर गया था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको पेस्ट करेंगे। अभी गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको भी अचीव कर लिया है, ठीक है। अब स्पेस पे काम कर रहे हैं, सो स्पेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पेस को रिपीटेशन करेंगे, कितने टाइम, नम 5 टाइम, जितना भी इनपुट करेगा उतने ही स्पेस होने हैं और उतने ही ऐट द रेट होने हैं, ठीक है। और उसके बाद सेम चीज़ अगेन हमें मिलनी है, ऐट द रेट अगेन चाहिए होगा, ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए मैं एक स्टेप बढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अभी हम लोगों ने ये अचीव कर लिया, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं गाइस, अगेन हम लोगों को क्या करना होगा, सेम रेपिटेशन ये वाला उठाना होगा और इसको यहाँ पे पुट कर देना होगा। तो अभी देखते हैं गाइस इसमें क्या कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है या नहीं, इस वाले को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो अभी इतना मैं रन करा के देखता हूँ, कंट्रोल एस कर लिया मैंने, और इसको रिफ्रेश इट,
एंड ओके। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमें आउटपुट चाहिए था ऑलमोस्ट मिला है, लेकिन क्या है यहाँ पे ये मुझे नहीं चाहिए थे, ठीक है, ये मुझे एट द रेट नहीं चाहिए थे, बट ये स्टिल प्रिंट हो रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं गाइस, देखिए एक बार। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे हमें दो स्पेस चाहिए, ठीक है, इसके बाद हमें दो स्पेस चाहिए। तो करना क्या है गाइस कि सबसे पहले समझिए कि हमें इस एट द रेट से पहले जो स्पेसेस चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे कंडीशन समझते हैं। देखिए अगर फर्स्ट टाइम लूप चलेगा इक्वल इक्वल वन होगा तो हम क्या करेंगे कि नम असाइन कर देंगे, मतलब कि हमें सारे एट द रेट चाहिए। अगर लूप आई से ग्रेटर है, इसका मतलब है दो है तीन है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एट द रेट वन चाहिए, सिर्फ एक ही एट द रेट चाहिए, एक ही एट द रेट प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, सारे एट द रेट नहीं प्रिंट होने चाहिए। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे अभी क्या होगा कि इस केस में वन इसमें असाइन होगा, ठीक है, क्योंकि ये आई से ग्रेटर, वन से ग्रेटर है आई की वैल्यू, तो क्या होगा कि यहाँ पे होगा वन, ठीक है, तो एट द रेट प्रिंट होगा वन, ठीक है। लेकिन जब वन होगा तो क्या होगा, ये एट द रेट यहाँ से रिलोकेट होकर यहाँ पे आ जाएगा इस प्लेस पे, ठीक है, और ये सारे हट जाएंगे तो ये थोड़ा सा मेसी लगेगा। तो हमें क्या उसके पहले दो स्पेस भी मेंटेन करने पड़ेंगे, पहले इतना अच्छा रन करा के देखते हैं। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे पीछे भी हमें वही सेम चीज़ चाहिए होगी, सेम एट द रेट इस केस के लिए, इस साइड के लिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा, ओके, लेट मी सेव एंड रिफ्रेश इट अगेन एंड लेट्स चेक इट गाइस। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेशन की थी सेम आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ से रिलोकेट होके यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। तो इसके पहले हमें क्या पुट करना होगा, एक स्पेस, तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके राइट। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है गाइस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि नम। तो हमें स्पेसेस कितने चाहिए, जैसे कि नम हमें मिल रहा है वन, ठीक है, वन मिल रहा है, और ये वैल्यू कितनी आ रही, एक्चुअल वैल्यू आ रही है। तो इसमें से अगर हम यहाँ पे जब ग्रेटर होगा तो इसमें वन होगा, तो वन में से अगर नम नम एक्चुअल नम में से अगर हम वन को माइनस करेंगे तो हमें फोर मिल जाएंगे, थ्री मिल जाएगा। और थ्री के केस में अभी एज्यूम करके चलते हैं कि नम में थ्री है, ठीक है, थ्री में वन जाएगा तो कितना बचेगा, टू, तो टू स्पेसेस हमें मिल जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग इसको नम माइनस और इसके अंदर हम पुट करते हैं नम, ठीक है, ये चीज़ हमें मिल जाएगी। और यही सेम चीज़ गाइस हमें चाहिए होगी यहाँ के लिए, एट द रेट के बाद भी मुझे स्पेसेस चाहिए होंगे, उसके बाद स्टार प्रिंट होगा ये वाला, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार जो दिख रहे हैं, इससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, स्पेस। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले यहाँ पे स्पेस पुट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं नीचे पुट कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके स्क्रीन पे प्रॉपर, ओके, लेट मी सेव एंड गाइस एक बार फिर से रीचेक करते हैं इसको, रिफ्रेश किया, रिस्टार्ट किया एंड शिफ्ट एंटर। तो गाइस देख सकते हैं इतना हम लोगों ने अचीव कर लिया। तो गाइस आप अब तक की समझ चुके होंगे कि इस स्टार की कितनी ज़्यादा, देख रहे हैं कितना एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं ये इसी में अवेलेबल है, आप रिपीट मेथड का इवन जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो एट द एंड मैं दिखाऊंगा किस तरह से जावास्क्रिप्ट में भी एज अ स्टार जैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो भी कैसे हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहले अभी हम लोग प्रोग्राम बनाते गए। तो अभी हम लोगों ने इतना अचीव कर लिया, अगर हम इसमें पुट करें फाइव तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। अगर हम फोर करेंगे तो, क्योंकि ये इवन नंबर है, वन करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर हम कोई भी ऑड नंबर पुट करेंगे तो गाइस यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 21। तो गाइस देख लीजिए लगभग हमारा रिजल्ट आ गया है, बट अभी भी हम लोग काफ़ी रिजल्ट से दूर हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया गाइस, बेसिकली हमने फर्स्ट हाफ को अचीव कर लिया है, ठीक है, इस फर्स्ट हाफ को अचीव कर लिया है, ठीक है, इस फर्स्ट हाफ को अचीव कर लिया है। लेकिन अब बचा हमें ये वाला सेकेंड हाफ, ठीक है गाइस। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग लूप चलाएंगे, इसके लिए else पार्ट पुट करने वाले हैं गाइस। सो गाइस यहाँ पे हम else कंडीशन चलाने वाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे बेसिकली, देखिए समझते हैं। देखिए गाइस हम लोगों ने इतना अचीव कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, इतना अचीव कर लिया। अब क्या है, जब आई की वैल्यू वन थी, जैसे कि यहाँ पे आई की वैल्यू वन थी तो इसमें आया था, ठीक है, आई की वैल्यू जब टू थी तो इस पर आया था, आई की वैल्यू अभी थ्री हो गई। तो कंडीशन यहाँ पे देखते हैं क्या है
कि यहाँ पे कंडीशन ये लगी हुई है नंबर ऑफ स्टार कॉल्स। तो इस पैटर्न के हिसाब से जो दिखाया पेंट पे, तो नंबर ऑफ स्टार कॉल्स जैसे कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर 3 इनपुट करते हैं तो 2 ही हैं, ठीक है, ये 2 हैं, ठीक है। तो ये जो 2 है तो इसमें आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम आई 1 और उसके बाद आई 2, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, इक्वल इक्वल, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू आई फिर से 3, ठीक है। तो ये है 2 और ये 3, तो माइनस का हो गया। तो गैस क्या ये ग्रेटर नहीं होगा, तो कंडीशन मतलब मैच नहीं करेगी, तो इसमें नहीं जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये कंडीशन उस केस में फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टार कॉल्स हैं वो 2 हैं हमारे पास और ये अभी बढ़ के चला गया है निगेटिव में वैल्यू। तो निगेटिव क्या 0 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंडीशन रखेंगे गाइस कि सबसे पहले तो स्पेस निकालेंगे। अब स्पेस किसके लिए निकालेंगे गाइस, स्पेस अब इस लाइन के लिए निकालेंगे, इस वाले के लिए, ये जो आगे स्पेस आ रहा है ये, ठीक है, ये स्पेस हमें काउंट करना है। तो अब स्पेस इसके लिए कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, इक्वल अगर क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंसी है, आई की वैल्यू अभी बढ़ चुकी है, जैसे कि आई की वैल्यू हो चुकी है अभी, कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल इसके हिसाब से 3, तो आई की वैल्यू है 3, 3 माइनस, 3 माइनस नंबर ऑफ कॉल्स कितने हैं हमारे, 2 हैं, ठीक है। तो हम इस पर पुट कर देंगे इसको और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 इसके, इफ कंडीशन क्या होगी कि आई लेस देन नम प्लस 1, एल्स अभी यहाँ पे 0 रख देते हैं, ठीक है। अभी इस कंडीशन को समझते हैं गाइस क्या है, देखिए आई की वैल्यू हमारी है 3, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टार कॉल्स कितने हैं इस पैटर्न के हिसाब से 2, तो 3 माइनस 2 कितना हुआ हमारे पास, हुआ 1, तो मतलब यहाँ पे स्पेस आ जाएगा 1, ठीक है, और ये 0। तो अभी क्या करते हैं, इस कंडीशन को कॉपी करते हैं। अभी इस कंडीशन को मैंने क्यों लगाया है, इसको अभी समझे कि बेसिकली इस कंडीशन का क्या मतलब है, ये बहुत ही यूज़फुल कंडीशन है गाइस। तो जैसे कि इसको पुट किया और इसमें हम प्रिंट कराते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग प्रिंट कराते हैं SP, ठीक है, तो हमें SP1 मिलना चाहिए, राइट। तो STR SP कंट्रोल S और यहाँ पे भी हमें सेमी कॉलन पुट करना होगा, ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं गाइस, रिफ्रेश करते हैं और ये ओके, जस्ट मिनट, 3 के हिसाब से पहले चेक करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आ रहा था स्पेस 1 और यहाँ पे आ रहा था 0 फिर से 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद एक स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद फिर पूरा स्टार प्रिंट पैटर्न बॉटम वाला प्रिंट होगा, तो मतलब कि हमें एक स्टार चाहिए था वो मिल गया। और अगर हम 5 के अकॉर्डिंग चेक करें गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टार 2 स्पेस पहले आ रहे हैं, फिर एक स्पेस आ रहा है, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे एक स्पेस, फिर 2 स्पेस, मतलब कि यहाँ पे 2 स्टार आ जाएंगे, इसके बाद एक स्टार आ जाएगा, तो मेरा पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसको भी अचीव करते हैं गाइस, सबसे पहले क्या करते हैं, ओके, सो अभी हम इसको भी कमेंट कर रहे हैं गाइस यहाँ से, ठीक है, और इस पूरी कंडीशन को हम कॉपी करेंगे गाइस, ठीक है, इसको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, बस इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, इसको पुट करेंगे और इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टार चाहिए थे, तो यहाँ पे अब आई से इसका जस्ट अपोजिट सब्ट्रैक्शन होगा, आई माइनस, ओके, क्योंकि आई बड़ा हो चुका है नंबर ऑफ स्टार कॉल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसका रिपीटेशन मिल जाएगा स्पेस का। और उसके बाद फिर एक्चुअली यहाँ पे मुझे मैनेज ये करना होगा कि नहीं होगी क्या करना होगा गाइस, कि हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टार कॉल्स जो है हमारे 2 निकले हैं 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आई की वैल्यू आ रही है 3, राइट। तो क्या होगा कि हमें आई तो रख नहीं सकते क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, हम यहाँ पे SP रख लें क्योंकि SP को अभी भी यहीं पे हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो SP की वैल्यू निकली है 1, ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम आया है। तो यहाँ पे अगर हम SP पुट कर देंगे तो क्या होगा कि 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1, तो 1 स्टार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो हम स्टार अचीव कर लेंगे। तो इसको भी सेम इसी से रिप्लेस कर देते हैं गाइस, और हमारा इतनी सी कंडीशन चेंज करने पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गाइस चलिए ओके ओपन कर लेते हैं दोबारा से,
तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इम्पोर्ट बी टी टी एस बी बी डॉट पैटर्न ओके, और यहाँ पे पास करते हैं 5। तो गाइस देख रहे हैं जैसा कि हमने आउटपुट एक्सपेक्ट किया था वो आउटपुट आ चुका है गाइस। तो लगभग हमने आधा पैटर्न अचीव कर लिया गाइस, अभी इसका थर्ड हाफ बचा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं, बेसिकली सारे इनपुट करके देख लेते हैं, जैसे कि 11 ओके 21 गाइस ये प्रॉपर वर्क कर रहा है इवन, और हम 29 को भी पुट करके देख लेते हैं ओके। विंडो से एक्चुअली ये विंडो की साइज से बड़ा हो रहा है, इस वजह से ये इसमें कंसीडर नहीं कर पा रहा है ओके। तो ये विंडो की विथ पे डिपेंड करता है ठीक है गाइस। तो इसकी जो मैक्सिमम हम 23 देखते हैं क्या है आउटपुट, तो हाँ 23 तक ये वर्क कर रहा है और इससे ज़्यादा भी एक्सीड कर सकता है, बट अभी ये वर्क कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं गाइस थर्ड हाफ की ओके। तो मुझे नहीं लगता कि गाइस इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बस यहाँ पे आपको रेपिटेशन यूज़ करना है एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करके पाइथन में, और बाकी आपको सोचना है कि कैसे क्या है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ओके। तो गाइस अगर आप यहाँ से सही तरीके से समझें कि कैसे क्या हो रहा, क्योंकि देखिए स्पेस के लिए एक बार मैं रेपिटेशन चला रहा हूँ, यहाँ के लिए एक बार चला रहा हूँ, फिर स्टार के लिए चला रहा हूँ, स्पेस इधर के लिए तो चला नहीं रहा हूँ, स्पेस स्टार के लिए इधर चला रहा हूँ, और प्लस स्पेस के लिए भी रेपिटेशन स्टार को यूज़ कर रहा हूँ एक ही प्रिंट मेथड में। तो बेसिकली इसी तरह से आप गाइस कर सकते हैं ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट फाइनल वन की गाइस, इसकी मैं बात करता हूँ इसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस कि अभी अच्छा ये कंडीशन मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन की, इस कंडीशन का क्या मतलब है। इस कंडीशन को मैंने इसलिए पुट किया था कि जैसे कि गाइस जो नॉर्मल कंडीशन आ रही है ठीक है, कि जो जो भी इनपुट हो रहा, फॉर एग्जांपल 3 इनपुट हुआ, तो 3+1 ठीक है, 3+1 से अगर आई की वैल्यू स्टार्ट होती है, मतलब कि ये चालू हो गया, यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 3 के बाद ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन जो पुट की है कि नम प्लस वन अगर i की वैल्यू इससे लेस है तब तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम कंडीशन मैंने पुट किया, तो इसके अंदर वाला जो प्रिंट मेथड है वो अपना काम करेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैंने स्पेस भी अचीव की है कि अगर उससे लेस है तो यहाँ पे किस तरह से स्पेस अचीव होंगे, कि i की वैल्यू जो भी होगी उससे जो है नंबर ऑफ स्टार्स कॉस जो है लेस होंगे और मुझे स्पेस को स्पेस हो जाएंगे, हमें स्पेस मिल जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इतना जो काम हो रहा है वो आपके लिए अपर साइड के लिए हो रहा है, मतलब इधर के ये सारे स्पेसेस के लिए हो रहा है ठीक है राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर आई की वैल्यू ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है ठीक है, मतलब कि मोर देन 3 जितना इनपुट किया था उससे प्लस, तो हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे एल्स, यहाँ पे चला लेते हैं एल्स। सो एल्स के लिए हम लोग क्या कंडीशन करेंगे गाइस, यहाँ पे एल्स, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली पुट करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट। तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी जे, यहाँ पे वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं जे इक्वल टू -1 ओके। अभी मैं बताऊँगा इसका क्या बेसिकली वर्क है ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गाइस, एस्ट्रिक सिंबल निकालते हैं। अब एस्ट्रिक किसके लिए निकाल रहे हैं गाइस, अब ये इनके लिए निकाल रहे हैं ठीक है। तो एस्ट्रिक और इसमें हम क्या करेंगे नम। अच्छा गाइस यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जो इसके 1, 2, 3 मतलब कि जितना भी इनपुट पास किया गया है उतने ही यहाँ पे स्पेसेस हैं सेंटर में ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उतने ही स्टार हैं, अगर हम उसके जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड उसमें 2 ऐड कर दें तो मतलब ये पूरे स्टार हमें मिल जाएंगे राइट। तो चलिए इसको कैसे पहले करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इफ नम प्लस 2 ओके। अगर हम फर्स्ट टाइम पे आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब वो कैसे पता चलेगा, इफ जे इक्वल इक्वल 0 एल्स ओके।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो जे का इंक्रीमेंट कर लेंगे वन से। तो क्या होगा, पहले से जे यहाँ पे मैंने -1 से साइन किया है, तो क्या होगा, वन हो जाएगा। ओ सॉरी, इंक्रीमेंट होगा तो 0 हो जाएगा। तो जी जे इक्वल इक्वल 0 होगा, तो क्या होगा, नम प्लस 2, तो मतलब नम अगर 3 आया है तो उसमें 2 ऐड हो जाएगा 5। तो हमें क्या हो मिलेगा यहाँ पे गाइस, ये 5 स्टार मिल जाएंगे, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएंगे। एल्स के केस में क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तब हम क्या करेंगे कि नम, और इसमें हम पुट करेंगे कि नम प्लस 2, मतलब कि नम जितना भी आ रहा है उसमें 2 ऐड करेंगे, 2 प्लस ऐड करेंगे, क्योंकि राइट हैंड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये समझिए कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वन कंसिडर, क्योंकि जो यहाँ पे सेंटर में आएगा वो तो यूजर इनपुट कर ही रहा है, तो उसमें से भी हमें 2 बढ़ाने होंगे। एज इट इज यूज कर लेंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम आएगा तो हमें एज इट इज मिल जाएगा 5, लेकिन सेकेंड टाइम जब आएगा तो जे की वैल्यू होगी 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसमें आएगा तो क्या होगा, ये होगा 5, राइट, क्योंकि नम तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो हमें मिलेगा 5, लेकिन जे को हम लेस करते रहेंगे। तो क्या होगा, जे में फर्स्ट टाइम आया था तो 0 था, ठीक है, सेकेंड टाइम आएगा तो 1 होगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 2 करना है, क्योंकि वहां पर अगर 1 ये रहा तो क्या होगा कि यहाँ पे 4 स्टार दिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे को अगेन यूज करेंगे और इसमें इंक्रीमेंट करेंगे। तो क्या होगा कि पहले तो यहाँ से हुआ 0, उसके बाद आएगा 1, और फिर दोबारा से जब चलेगा लूप तो ये हो जाएगा 2, तो जे की वैल्यू होगी 2। तो यहाँ से 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, 3 स्टार गया, और 3 स्टार हमें बचेंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से चलेगा तो ये जे की वैल्यू 2 थी, ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से ये डिक्रीमेंट इससे लेस करेगा तो हमें फिर से 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से वो चलता रहेगा गाइस। तो अभी क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सबसे पहले एस्ट्रिक्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पेस भी आगे चाहिए होंगे। अब स्पेस कितने चाहिए ये हमें समझना होगा कि स्पेस यहाँ पे कितने चाहिए होंगे गाइस आपको। बेसिकली स्पेस यहाँ पे टोटल आपको चाहिए होंगे कि जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं एस्ट्रिक्स के प्लस जितना भी इनपुट हुआ उससे 1 माइनस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पे स्पेस और जस्ट मिनट होल्ड, हम यहाँ पे ये जो कंडीशन बनाई थी इसी के लिए बनाई थी जो मिस हो रहा था, यहाँ पे वो एक्चुअली करना है कि यहाँ तो जब तक आई की वैल्यू लेस होगी, ठीक है, तब तक चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे पहुँचती इस पॉइंट पे, तो हमारा एल्स ब्लॉक स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे उस केस में, एसपी यहीं पे उसके स्पेसिस मेंटेन कर लेंगे हम। क्या करेंगे, इस कंडीशन को एज इट इज उठा के रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि नम प्लस 1, अभी क्या है, नम आ रहा है 3 और उसमें हमने किया क्या, प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि स्पेस आया आई, और आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितना, 1 2 3 एंड 4, 4 4 माइनस 4 माइनस 2 बचा है 2, ओके, ये आ गया 2 और 2 स्पेसेस मिल गए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिला, नम नम प्लस 1, ठीक है, तो नम 3, 3 प्लस 1, तो गाइस हाँ ये वर्क करेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से एसपी पुट करना है, और प्लस आपको करना होगा यहाँ पे स्टार प्रिंट करना होगा, और यहाँ पे एस्ट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा एस्ट्रिक्स, ओके। सो लेट मी चेक गाइस, और फाइनली चेक करके देखते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट ओके, जस्ट मिनट होल्ड, ओके। सबसे पहले यहाँ पे चेंज करते हैं, ओके ओके, प्रोग्राम लगभग ओके। सो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें माइनस यूज़ करना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली मुझे समझ में आया है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ गड़बड़ी गाइस, कि यहाँ पे तो हमें आई की वैल्यू आ गई है 1 2 3, ओके, यहाँ पे 4 आई, तो हमने क्या किया, 4 माइनस नंबर ऑफ जो
एस्ट्रिक्स कॉलम से उनको लेस किया तो हमें क्या मिला, 4 माइनस 2, तो मुझे मिल गया यहाँ पे 2 फाइनली। और उसके बाद यहाँ पे जो नम इनपुट किया, नम तो नम उसने इनपुट किया है यूज़र ने 3, ठीक है। तो 3 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे माइनस करना है 1, तो क्या होगा 2, तो 2 प्लस 2 इक्वल 4, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 2, तो 4 स्पेसेस मिल जाएंगे। तो इस तरह से वर्क हो जाएगा गाइस। उसके बाद दोबारा से आएगा तो वो आई की वैल्यू पे डिपेंडेंसी है, तो गाइस वो वर्क अपना करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई चेंज होगा हर बार। ओके तो अभी रन कराते हैं गाइस। ओके सो गाइस देख सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है गाइस, और अभी हम इसमें कोई भी वैल्यू पास करके देखते हैं गाइस। तो गाइस हम देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम काफ़ी एफिशिएंट तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें 2 इनपुट करेंगे तो ओके, तो इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, और अगर 1 इनपुट करेंगे तब भी कोई आउटपुट नहीं जनरेट होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है जैसा कि मैंने उसको प्रिवेंट कर रखा है, ठीक है गाइस। और इसमें आप 27 अगर इनपुट करते हैं तो ये स्क्रीन की विड्थ से बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से इसमें शिफ्ट नहीं आ पा रहा है आउटपुट प्रॉपर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है आपको जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे गाइस। तो गाइस यहाँ पे एक नंबर और चेक करते हैं, 15। ओके तो गाइस देख सकते हैं कि ये आउटपुट आ चुका है हमारा फाइनली, जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मिनिमम कोड मैंने यूज़ किया है, कितने लेस नंबर ऑफ लाइंस में मैंने इस चीज़ को अचीव किया है। बस सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने जो यूज़ किया वो एस्ट्रिक सिंबल। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि स्टार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का क्या रोल है और कितना पावरफुल है गाइस। तो उससे हम काफ़ी हद तक अपनी लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया ये प्रॉपर किस तरह से कंडीशन है गाइस। ये बेसिक है, बस आपको एक एक स्टेप समझना है, फिर भी अगर लगता है, क्योंकि गाइस ये पूरी इस सिंगल वीडियो में सब कुछ एक वीडियो में समझाना एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को रिपीट एंड रिपीट करके बार बार देखिएगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो इंटरव्यू में मे बी आपसे भी पूछा जा सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि लास्ट में मैं जावास्क्रिप्ट में भी पुट करके दिखाऊंगा कि रेपिटेशन आप अचीव कर सकते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पुट करता हूँ ए, ठीक है, 4 टाइम मैंने ए प्रिंट किया है, और यहाँ पे रिपीट मेथड मैंने यूज़ किया। So guys, please give me your feedback in comment section and subscribe to my channel because I need your love and support. At the end, thanks for watching.